नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और वेब समाचार 24x7 देख रहे हैं आप। शिक्षा मंत्री के झारखंड लौटने पर पारा शिक्षकों में आस जगी है। और आपको ये भी बता दें कि शिक्षा मंत्री पारा शिक्षकों से जल्द ही मुलाकात भी करने वाले हैं, और इससे जुड़ी जो खबर निकल के सामने आई है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना की वजह से गंभीर रूप से बीमार होने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इलाज करवाकर झारखंड वापस आ चुके हैं। और शिक्षा मंत्री के वापस आने के से जो है वो राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की आस एक बार फिर जगी है। राज्य के पारा शिक्षकों की जो है वो स्थायीकरण, वेतनमान सहित जो अन्य मुद्दे हैं वो लगातार बने हुए हैं। वो इन मांगों को लेकर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और आपको बता दें कि संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की ओर से समय समय पर पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाती ही रही है। और ये भी आपको बता दें कि इस वेतन वृद्धि के साथ साथ पारा शिक्षक स्थायीकरण, इसी के साथ सेवा शर्त नियमावली को लेकर भी मांग करते रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस बाबत ये खबर निकल के सामने आई है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जो है वो मुलाकात कर सकते हैं पारा शिक्षकों से। और आपको बताते चले कि 65,000 पारा शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से पारा शिक्षकों के स्थायीकरण एवं वेतनमान सेवा संबंधी नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक इस पर जो है वो अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में इस जो प्रस्ताव बना है, इस प्रस्ताव पर सहमति के लिए विधि विभाग को जो है वो भेजा गया था। और आपको बता दें कि बीते साल 28 सितंबर को पारा शिक्षकों के लिए गठित कमेटी की बैठक जो है वो होनी थी। इसी दिन पारा शिक्षकों के वेतनमान, स्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली पर जो है वो बात होनी थी, लेकिन इसी दिन शिक्षा मंत्री की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और उसके बाद जो है वो मामला वहीं पे रुक गया। आपको ये भी बता दें कि शिक्षा मंत्री जो है वो जल्द ही झारखंड में पारा शिक्षकों से मुलाकात करने वाले हैं। और इससे जुड़ी जो है वो खबर निकल के सामने आई है, जब मुलाकात होगी उसके बाद जो पारा शिक्षकों के मुद्दे हैं उस पर चर्चाएँ होगी। और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पारा शिक्षकों के जो भी मुद्दे हैं वो पूरे किए जाएँ, उनकी मांगों को जो है वो पूरी की जाए झारखंड सरकार के तरफ से। अभी के लिए इतना ही। इसी तरह के खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो जो भी नए खबर आएंगे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।